सो वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। आज गौरव दा ने एक जगह के बारे में बताया है, बहुत अच्छा जगह है, मंदिर है और हाइडिंग प्लेस है, कह रहे थे आज वहाँ चलते हैं। तो इनको पता है कहाँ है, मेरे को तो नहीं पता, ले जाएंगे। मगर हाँ है भवानी में, तुमने कहा था हाइडिंग प्लेस, तुमने बताया मेरे को, तो आज ये ले जाएंगे मेरे को। चलो आज बढ़ते हैं फिर सीधे भवन की ओर को, ये ले जाएंगे हमारा हाइडिंग प्लेस। ये हमारे रमेश दा है, देखिए दुकान के पास बैठे हैं अभी सॉलिड तरीके से। तो इनके वहाँ से आने के बाद इनसे मिलते हैं अभी। तो अब चल रहे हैं आगे की ओर को, और जो हाइडिंग प्लेस का नाम है वो आपको आज मैं डिस्क्राइब कर ही देता हूँ। उसका नाम है जावर महादेव मंदिर। अब हम जा रहे हैं जावर महादेव मंदिर, हाइडिंग प्लेस है। नैनीताल वालों को पता नहीं है कहाँ पर करके, मगर हम चलेंगे आगे की ओर को। आज हमारे दादा चलाने लगे हैं गाड़ी, ये देखो है सब चीज़ लपेट लिया है मुँह में। तो चलो तुम चलाओ फिर आगे की ओर, हम भी चल रहे हैं। और पहले तो जाना है हमें ललिता ललिता, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, भवानी की ओर मिलेंगे। और भवानी में कहाँ पर ये मुझे नहीं पता, मगर ये बताएंगे या किसी से पूछ लेंगे, क्योंकि दोस्तों भवानी रोड पर पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं हम जावर महादेव मंदिर। बहुत अच्छा है, सुनाया में आया है, तीन चार जन ने बताया भी, आप लोगों ने बताया भी। तो आज हो आते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों पता चला है कि जो मंदिर है सेंटोरियम से ऊपर मेरे अकड़ से नीचे वाली है, 10 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है सेंटोरियम से ऊपर चढ़ने के बाद, एक एरिया आता है जिसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख के बाद हमें चढ़ना है ऊपर को। तो दोस्तों पहुंच गए सेंटोरियम के पास, और सेंटोरियम में है यहाँ पर, और ये जो सेंटोरियम गेट है यहाँ से हमें चढ़ना है ऊपर की ओर को, यहाँ से लेफ्ट के साथ। अच्छा पहले एक मिनट करेंगे, 200 रुपये आते हैं उसके बाद ऊपर को चढ़ेंगे। दोस्तों सारे मित्रों से मिल चुके हैं यहाँ पर, यहाँ हमें से हाय सोचे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पता करने के बाद ऊपर जावर महादेव मंदिर, और इन्होंने बताया वहाँ का रास्ता, कह रहे थे पगडंडी होते हुए जाता है, पगडंडी होते हुए चलेंगे ऊपर की ओर को, और सीधे बढ़ते हुए ऊपर की ओर, और रास्ता है आगे से, आप दिखाते तुम्हारा रास्ता, हम पूरा रास्ता दिखाएंगे अगले बार जब तुम आओगे ना, तो तुम्हें भी मजा आएगा भाई। हम ये सिंडोरियम का रास्ता, और ये जाता ऊपर की ओर, जब तक का चलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हम, और जा रहे हैं ऊपर की ओर महादेव जी महाकाल के मंदिर। और देखो यार रास्ता कितना प्यारा बना था दादी, भाई पूरा सेंटोरियम एरिया दोस्तों। अरे सेंटोरियम एरिया में पहले से ऐसा था, टीवी के मरीज रखा करते थे, अभी भी खुला है, मगर अब उतना नहीं है। देखो यह है पूरा सेंटोरियम, उतनी सुविधाएं नहीं है। अच्छा उतनी सुविधाएं नहीं है यहाँ पर भी, रास्ता बड़ा बेकार टाइप का भी दिख रहा है मेरे को भैया। देखो ऊपर की चढ़ाई तो बड़ी है, बड़ी खतरनाक है, मगर चाय पीने हम जा रहे हैं इधर साइड पर, देखो पीछे की साइड में, और यहाँ से जो व्यू है ना इतना प्यारा है, पीछे देखो मेरे साइड, ये पूरा सेंटोरियम है। देखो सेंटोरियम में कितनी ज़्यादा भीड़ है, सारे के सारे सरकारी डिपार्टमेंट वाले हैं, और ये हॉस्पिटल हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि यहाँ देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं जो बैक्टीरियाज को ना वो कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं टीवी के। हमारे लिए टी लेने का एरिया, अब टी लेते हैं यहाँ से भैया, पहले तो प्यो प्यो टी हमें कमेटी के मेंबर मिले, ये वहाँ की कमेटी के मेंबर है, कमेटी तोड़ दी है, कमेटी तोड़ दी हमने, खाली हम तो वहाँ हमारा घर नजदीक है, हम खुद आते हैं वहाँ काम करने। देख लो दोस्तों कमेटी टूट गई है, तो अब कोई कमेटी नहीं रही है, तो अब यही करता रहता है वहाँ के। तो आइए और इनसे भी मिलिए, क्योंकि ये गांव के जस्ट बगल में रहता है, महादेव के मंदिर के बगल में ही रहता है जस्ट। और इस बार भंडारा इन्हीं का है, देख रहे कि वहाँ वहाँ 4-5 मेंबर थे, दादा लोग सब थे वहाँ। तो अभी हम यहाँ पर से चाय पीने के बाद ऊपर की ओर निकल रहे हैं, रास्ता बहुत कठिन और ट्रैक वाला है भाई। अगर आओगे तो थोड़ा सा खाने पीने का सामान यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पर दुकान है देखो, तो आराम से यहाँ से खाना पीने का सामान लेके ऊपर की ओर चढ़ जाना भैया। दोस्तों चाय पीने के बाद अब हमारा जो मन है ऊपर की ओर को जाने का है, और अब हम करेंगे अपनी बाइक स्टार्ट जो गौरव दा चला रहे हैं बड़ी देर से, और अभी भी यही चलाएंगे, क्योंकि यार आज मेरा बाइक चलाने का मन तो था नहीं, चल पड़ा है अपनी मंजिल की ओर को। और पीछे से जो भैया आ रहे हैं वो, उन्होंने जो स्टोरी बताई है उसको देखिए, तो यार थोड़ा सा बहुत अक्का रह गया भाई, क्योंकि यार हर किसी की अलग अलग स्टोरी है, मगर जो यहाँ पर के लोकल लोग हैं ना वो बताएंगे असली स्टोरी, उनको ज़्यादा पता रहता है, तो उन्होंने बताया है। और आगे जाके कोई पंडित जी मिलेंगे तो उनसे भी पूछ लेंगे क्या रहा है उसका, उनका बनाने का मतलब मंदिर बनाने का जो कारण है उसको, यहाँ का रास्ता, और रास्ता तो बहुत ही खतरनाक बना रखा है बाइक रोड। और यहाँ पर अभी काम भी चल रहा है, मेरे को पता नहीं था, पहली बार इस स्थान पर आ रहा हूँ भाई, इतने साल मैं नैनीताल पर रहा हूँ, मगर मैं इस जगह पहली बार विजिट किया है यार भाई। तो हमें गया है यहाँ पर उतार, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है रोड का काम, और इससे आगे गाड़ी जाएगी नहीं, और ये कह रहे बाइक यहाँ पर लगा दो, देखते हैं दोस्तों फिर आगे की ओर जाते हैं, यहाँ से है पैदल ट्रैक, हमें यहाँ पर उतार दिया, बाइक हमें लगानी है यहाँ पर ही, तो अब हम कर रहे हैं बाइक को पार्क। देखो कैसे पार्क हो गया भैया, चलो 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 है, अरे मेरे भी नहीं पहुँचते यार। मगर यार सेंटोरियम का एरिया जो है ना भाई बहुत ही बड़ा है यार, मेरे को पता नहीं था सेंटोरियम नीचे से छोटा लगता था, मगर एरिया भाई बहुत बड़ा कर रहा है, बहुत ज़्यादा। पतली सी पगडंडी है,
मगर रास्ता पैदल पैदल का है। अब यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर का रह गए और हमारे साथ आज बने हैं 3 भैया और, ये ऊपर को आएंगे भी। यहाँ पर जो काम चल रहा है इसकी देख रेख का काम इनको दिया गया है, तो ये काम देखेंगे और हम जाएंगे ऊपर की ओर को। और भाई ये पगडंडी तो ऊपर की ओर यार पता नहीं कितने किलोमीटर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें जाना है उस पहाड़ की ओर 10 से 20 किलोमीटर, मगर 10 से 20 किलोमीटर नहीं है, जस्ट लाइक 2 किलोमीटर। तो ये तो है पतली सी पगडंडी और ये है पूरे जंगलात का एरिया, जंगलात ने पूरा पूरा कवर कर रखा। और यहाँ बुरास के और बांस के पेड़ देखने को मिल रहे हैं हरी भरी क्षेत्र में। और सुना है यहाँ देवदार के पेड़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि 40 मीटर से ऊपर के भी होते हैं। 40 मीटर यानी कि समझ ही रहोगे आप, सबसे लंबे देवदार के पेड़ इधर साइड पाए जाते हैं। और देखो यार एरिया कितना ज़बरदस्त लग रहा है, हमसे खूबसूरती क्या कहेंगे दादी आप इसके बारे में। यार गौरव दा टोटली बिजी चल रहे हैं आज, देखो यार वादियों में क्या कहेंगे इसके बारे में। बताओ ये मंदिर बनने का कारण क्या रहा? मतलब मंदिर किस वजह से बनाया गया? इधर मंदिर वैसे ही बन के बनना होगा, हमको तो बन गया मंदिर। अच्छा, तो कुछ कहानी तो होगी? कहानी नहीं कुछ नहीं है, पहले काम चला था पानी का वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी का काम चला था, पत्थर फोड़ लेते वहाँ, पत्थर फोड़ने के बाद शाम शाम दिखे उनको। अच्छा, लेबरों ने काम करना था, डर के मारे उन्होंने कहा चलो एक मंदिर बनाओ, सब बनाया वो। अच्छा सब बनाया, और कहने वाले कुछ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं वो मेरे को पता। अच्छा अलग अलग, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे बताया ना, यहाँ जैसे गूगल में भी सर्च मारा तो कहानी कुछ दूसरी और भी चला आती है। गूगल में सर्च मारो, मेरे को भी 6 महीने पहले पता चला गूगल में। हाँ मैंने भी डाला, नैनीताल उत्तराखंड जावर महादेव, जावर महादेव करके, तो मेरे को 6 आदमियों का नाम पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो कमेटी के मेंबर थे उन्हीं का नाम उसमें निकल आ रहा था। हो गए हैं 25 साल यहाँ मंदिर में। अच्छा 25 साल, 25 साल तो नहीं, 25 साल तो सारा गलत हो गया। आपने भी अभी एकदम पूछा क्या हो गया मरला, 20 साल तो मेरे को हो ही गई। अच्छा लगभग बचपन से आता हूँ मैं। तो यह पूरी पूरी पगडंडी, और देखो ये ऐसी रास्ता पूरा का पूरा वहाँ तक आ जाता है जावर महादेव मंदिर तक का। और रास्ता बहुत प्यारा है यार, लोग कभी कभार ही आते हैं ना, अब तो आने वाले टाइम पे ये और ज़्यादा फेमस होगा तो और ज़्यादा सही रहेगा। ओके दादा, यहाँ नीम करौली बाबा भी रहे थे क्या? अच्छा नीम करौली महाराज रहे थे, मतलब जब वो यहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब रहे होंगे ना। और दादी हाँ मैंने सुना कि लकड़ी का एक वो भी है करके, शिवलिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा पदम की लकड़ी का है। पहले के पास का जो सेंट्रम के सरकारी नौकर थे यहाँ पर, उन्हीं लोगों ने बनवाया है। ठीक, जो उसमें कोई जो आदमी थे उन लोगों ने बनवाया है। अच्छा उन लोगों ने बनवाया, बहुत ज्यादा पदम की लकड़ी का है, लकड़ी की आज तक कोई चीज नहीं। कितने ज़्यादा बरस के पेड़ है, और देखो रास्ता यार पगडंडी वाला है पूरा का पूरा यार भाई, और नीचे और भी ज़्यादा बरस के पेड़ है। और भैया लोग पीछे रुक गए हैं, तो थोड़ी देर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। मंदिर यहाँ से नहीं भी नहीं होगा तो करीबन यार अब 1 किलोमीटर तो हम चल गए हैं, 1 किलोमीटर और रह गया, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जो डिस्टेंस थी वो करीबन 2 किलोमीटर की थी, यानी कि पैदल ट्रैक। के बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा लग रहा है कि नहीं हम क्लिप्स के जंगलों में चल रहे करके। हाँ, ऐसा लग रहा है मैं अभी क्लिप्स के जंगलों में चल रहा हूँ, क्योंकि सेम लाइक क्लिप्स यार। तुम और राजभवन से लेके ऊपर क्लिप्स तक गए होगे दादी? हाँ। तो वैसे ये सेम नहीं लग रहा, बताओ अभी ट्रैक थोड़ा यहाँ को बस हाई है। हाँ थोड़ा नैरो टाइप का है, और पानी भी ऊपर से आता होगा, क्योंकि यार ऊपर स्लोप होगा ना, पूरा जंगल है। और ये थोड़ा सा खुला खुला सा है, और चीड़ के पेड़ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया यार इधर, पहले तो यहाँ देवदार के पेड़ हुआ करते थे, बट अब चीड़ के पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं भैया। और इसमें से भी उन्होंने लीसा निकाल लगा, जो लीसा बहुत आग जलाने के काम आता है। 800-700 मीटर होगा, 800-700 मीटर होगा, क्योंकि हाँ लगभग लगभग हमने 1200 मीटर तो कवर कर ही लिया है। हो मगर ट्रैक में बहुत मज़ा आ रहा है, महादेव का आज बुलावा आया है, और महादेव के बुलावे के साथ हम जावर महादेव मंदिर जा रहे हैं। और गौरदा के साथ ऐसी जगह में जाना बड़ा मज़ा आ रहा है, पिछली बार हम गए थे वाटरफॉल वो भी कॉर्बेट के। दोस्तों ऊपर से छटछट की आवाज़ आ रही, शायद बाघ आ गया है, मैं बाघ दिख जाएगा तो मजा आएगा। ऊपर से साइड दिख रहा है मेरे को, पता नहीं क्या है वो, मगर अगर बाघ होगा तो मज़ा आ जाएगा यार। और यहाँ सारे के सारे मेरे को अभी ये बुरास के पेड़ दिख रहे हैं, और बुरास के पेड़ों के नीचे अगर पानी होता तो बुरास अच्छा खिलता है कहते हैं ऐसे। और देखिए साहब क्या मस्त जगह है यार ये, जंगलों में ना भाई घूमने का मजा आ गया, मुझे फीलिंग आ रही है आई एम लुकिंग नहीं आई एम नाउ मैन विस्टल वाइल्ड भाई, और मैं जंगल में सर्वाइव कर रहा हूँ। और दादा कह रहे थे यहाँ पर कमेटी वालों ने एक जो देख सकते उन्होंने, ये तो गुलजू भगवान का लग रहा है मेरे को, वो अंदर पत्थर का स्लंटर निकला है। अच्छा वो हल्का सा शिवलिंग हो पत्थर निकला हुआ, ये जैसे केदारनाथ में ना उनकी पीठ निकली हुई है ना बैल की, वैसे सेम लग रहा हो वहाँ भी ऐसी है, मगर वो बहुत बड़ा है, सेम ऐसी दिख रहा है पत्थर अभी। अब 2 मिनट का रास्ता रह गया है, और दादा मुझे थोड़ा सा हंसा दिया है भाई, जैसे जैसे बाघ झपटा मारता ना वैसा ही वैसे।
अच्छा जहाँ से वहाँ से 10 मिनट का मतलब 2 किलोमीटर पूरा होगा वहाँ से तो। अच्छा 1.5 किलोमीटर का रास्ता वहाँ से तो सही है। तो आ गया मंदिर। तो दोस्तों मंदिर आ चुके हैं और फ्रंट गेट इसका पहुँच चुके हैं, फ्रंट गेट में पहुँच चुके हैं। और भाई पुराना है मंदिर है और इतना अच्छा लग रहा ना। वैसे कहते हैं कि इसकी कोई पुरानी कहानी होगी मगर दादा ने जो कहानी बताई वो मेरे को उससे मैं सहमत हूँ। ये है महादेव जावर महादेव का मंदिर। और देखिए दादा ने बताया घंटी, मैं भी बजाऊंगा घंटी अभी अंदर जाने समय। और देखिए अब मैं यहाँ अंदर एंट्री करने के बाद कम जा रहा। भाई क्या जबरदस्त लोकेशन है यार। आपके बारे में तो देखना है वो यहाँ पर बहुत पुराने हमारे जो बचपन से ही रहे हैं। अच्छा ये बताएंगे इनको हम बहुत प्यार से भाई जी कहते हैं इनको। और ये बहुत बचपन के आदमी है। अच्छा बचपन से मतलब सब कुछ यही बता सकते हैं। अच्छा अच्छा अब बताएंगे बड़े भाई भी हमें। दादा नमस्कार हम कैसे आप। अच्छा बचपन से आप यहीं रहे हुए हैं अंदर ही से रहे हुए। तो आप इसकी मुझे कुछ कहानी बता दीजिए कि कब बना कैसे बना और कैसे निर्माण हुआ। कहानी है कुछ पुराने बुजुर्ग थे उनके काम का है। अच्छा मंदिर उनके नाम का है उनके समय से बना। हाँ। अच्छा 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 तो आप यहीं देख रेख करते हो अभी। खाली वैसे आ जाएंगे। अच्छा मतलब मंदिर तक आया है। ठीक। अच्छा पुराने बुजुर्गों का टाइम का बना। यहाँ पर लिखा भी है प्राचीन जावर शिव मंदिर शिव धाम। कृपया मंदिर परिसर में गंदगी ना फैलाए। दोस्त यहाँ आते तो गंदगी मत फैलाना क्योंकि बहुत साफ सुथरी जगह है। जय हो प्रभु। और अब हम अपने जो चरण है ऊपर की ओर को लेके जा रहे हैं। वैसे तो चरण में हम है प्रभु के मगर हम भी अपने चरण लेके जाएंगे तभी तो ऊपर तक पहुँचेंगे। और कहते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा यानी कि 19 से 20 फीट का एक त्रिशूल है भगवान का, वो भी नैनीताल के शिव मंदिरों में से एक। तो दोस्तों यार कितनी प्यारी जगह है देखिए आप। वाह अच्छा ये वाटरफॉल तुमने बना रखा है। अच्छा हैंडमेड वाटर। अच्छा 4 साल लगे इसे बनते बनते। अच्छा ये वाटरफॉल भैया आप देख सकते हो ये सामने वो वाटरफॉल है इस बार बनके तैयार हुआ है। और दादा इसमें ये इसमें कौन रहता है ये कुटिया में। अच्छा ये मठैया बनाई हुई है महाराज की रात से यहाँ पहले हमने कहा कोई महाराज आएगा कोई धोतिया धुपट्टी घंटी घंटी बजाएगा तो यहाँ पर रहने की। अच्छा कुटिया कोई नहीं आया आएंगे जब उनको पता चलेगा तब आएंगे। हाँ धीरे धीरे प्रचलन होगा। साल पहले रहे थे दिवाकर भारती जी रहे थे यहाँ पर अभी इस टाइम बनारस में इसके अंदर कर। भाई जी कितना टाइम रहे हैं इनके अंदर। वो एक नानतिन बाबा भी तो रहते हैं। नानतिन महाराज की गुफा है यहाँ से कितना दूर है भाई जी। 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ से नानतिन महाराज की गुफा है। गुफा है ऐसी 20 फुट ऊंची है वो करीब 25-30 फुट अंदर को सुरंग टाइप का भी। अच्छा और हम अंदर जाते नहीं अंधेरा बहुत ज्यादा बाग तो दिन दहाड़े आते हैं लेकिन जो सही सच्चे मन से आते हैं उनको कुछ नहीं करता है लेकिन दूसरे वाले को तो खाली आवाज सुनाएगा वहीं हट हो जाएगा। ये तो है क्या जो गलत मन से वो तो हुकी जाता है उसी आदमी साफ बात है। तो दोस्तों ये देख सकते हो त्रिशूल सबसे बड़ा त्रिशूल कह सकते हो आप इनका। ये दादा कितने फिट का है 19 से 20 फिट का। अच्छा तो कितने फिट का दादा है। चौदह फुट के आसपास का। तो दोस्तों मंदिर के अंदर मैं प्रवेश तो कर लेता पर हाथ धोने पड़ेंगे यार हाथ पांव इधर। अच्छा साबुन में पानी है हम ले गए। अच्छा ये दूसरा त्रिशूल भी आप ले गए हो। ये हम पिछले बार ले गए थे। कितना टाइम हो गया भाई जी। तो दोस्तों दूसरा काम होता उतार के अंदर की ओर बढ़ते हैं और मंदिर बहुत भव्य है। गौरवदा को मजा आ गया है। गौरवदा तो कह रहे यार नेक्स्ट टाइम फिर आऊंगा। मैंने भी कहा नेक्स्ट टाइम हम भी आएंगे। तो गौरवदा क्या कहेंगे नेक्स्ट शिवरात्रि में आना पड़ेगा यार। और पहले हाथ पांव धो लेते उसके बाद अंदर की ओर बढ़ते हैं प्रस्थान करते हैं। अंदर की ओर प्रवेश कर रहा हूँ मैं और मंदिर के चलो स्थान में पहुँच चुका हूँ। खूब शांति मिल रही है और आपको दोस्तों ये है प्राचीन मंदिर शिव भगवान का जावर महादेव मंदिर और माता पार्वती और शिवलिंग आप देख सकते हैं। ये पौराणिक शिवलिंग यहाँ पर बनाया गया है और जो माता पिता तुम्हारा हुआ अब गौरवदा जा रहे हैं अंदर और हम भी जाएंगे। तो दोस्तों भगवान के दर्शन कर सकते हैं आप। ये देखिए ये जो है शिवलिंग उस टाइम बनाया गया था और यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। देखिए और महादेव मंदिर कितना प्यारा लग रहा है माता पार्वती शिवलिंग सब। और इस समय मान लेता हूँ आधा एक प्रेमी कर्म करने के बाद ये धुनी लास्ट टाइम जलाई थी ना ये शिवरात्रि में जलाई थी ना धुनी। तो दोस्तों कितना भव्य मंदिर है देखिए भैया की वजह से आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं गौरवदा की वजह से और हमें यार बड़े भाई भी मिले अपने तो हमारा मन ललायत हो गया गदगद हो गया भैया। और यहाँ देवदार के पेड़ कितने ऊँचे ऊँचे हैं बाबर रे। तो देखिए 300 फीट के हाइट के पेड़ हैं बाबर। ये देखिए भैया 300 फीट के हाइट के पेड़ हैं। सोमवार के दिन आज हम बाबा के दर्शन के लिए इधर आए और मज़ा भी आया है
खूबसूरत जगह है और थोड़ी देर यहाँ पर विराजते हैं और गौरव दा के साथ यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और गौरव दा को बैठाते हैं अपने साथ और तब तक थोड़ी पूजा भी कर लेते हैं और पतंगे लगाई गई है। कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर सजावट के साथ। भाई दर्शन पा के मैं मग्नमुग्ध हो गया हूँ। वो पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं भाई, किस जगह में मंदिर बनाया गया है दिख रहे हैं आप भैया, जंगलों के बीच में पहाड़ियों की ऊंचाई में और पेड़ ही पेड़ है। शिव भगवान ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे में एकांत में ना भाई मन को बहुत शांति मिलती है, तपस्या भी होती है सब चीज़ होती है। यहाँ पर अभी पूजा के लिए बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे रहते हैं और थोड़ी देर मंदिर में कार्यरत रहते हैं। पूजा करके आ जाऊँ, गौरव था किसी कारण बस अंदर नहीं आए और मंदिर के प्रांगण में बैठ के ना भाई ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं शिव के द्वार में, यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ और छोटा कैलाश उज्जैन के महाकाल सारी की सारी फीलिंग यहीं आ रही है। जो टोटल होते ना जितने ज्योतिर्लिंग होते हैं 12 ज्योतिर्लिंग उन सबों की याद यहाँ पर ही आ जा रही है और मैं दिखाता हूँ अंदर की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह मंदिर में शिवलिंग और भगवान जी और इसी के जस्ट बगल में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर हनुमान जी की भी प्रतिमा लगाई गई है। भूत पिशाच निकट न आए यहाँ पे महावीर जब नाम पुकारे, यहाँ पर भगवान की भव्य मूर्ति लगाई गई है हनुमान जी की। पूजा करने के बाद टीका का तो लगाया नहीं, भैया लगा रहे टीका देखो। अब ये हमें भी लगाएंगे, हम ये टीका लगा लेते हैं थोड़ी देर। ओहो तो भैया टीका लगा चुके हैं हम, अब थोड़ी देर इधर विराजते हैं और अपने मन को शांति देते हैं। बहुत ज़्यादा शांति लेने के बाद हम बढ़ेंगे, क्या पता आगे की ओर भी जा सके और क्या पता नीचे की ओर, दोनों में से गौरव दा डिसाइड करेंगे। गौरव दा वेयर वी गो, नीचे कोई देर गौर करने के बाद मुझे एक चीज़ दिखी है, यहाँ पर सामने नंदी महाराज और बाकी फोटो बनाई है जो माता पार्वती का भाग है और भैया की लगभग लगभग पूजा पूरी हो गई है। भैया भी अभी रास्ते नंदीन बाबा है ना 1008 नंदीन बाबा, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति दिखी हुई थी इसी जावर महादेव मंदिर में और उनका एक कुटिया है ना जो थोड़ा सा ऊपर जाके है उसमें पूरा आगे से ब्यूरा लिखा पड़ा है एक पत्थर में 1008 नंदीन बाबा और उनकी जो समाधि है ना श्यामखेत पे है। कभी जाएंगे तो तुम्हें श्यामखेत में उनकी समाधि भी दिखाई जाएगी। मगर भाई हर जगह इस जगह को देख के और जगह का मन मेरे को हैरानी का मन कर रहा है भाई, जैसे कि अभी मेरा मन कर रहा है दादी के साथ उज्जैन जाने का। अब पता नहीं है कब बनाते प्लान, कब बनाओगे बताओ, बरसातों में जाएंगे उज्जैन जाएंगे ठीक है पक्का। तो तब तक इधर ही विराज रहते हैं। तो यहाँ से कितनी दूर है वो ऊपर, कितने किलोमीटर लगभग लगभग के लेवल में ही है। अच्छा रडार के लेवल में ही है, है। अगर वहाँ कोई प्रवेश करता है तो हमें सीधे सीधे उड़ा दिया जाता है, तो हम नहीं जाएंगे उधर। अच्छा दो गुफाएं उनकी और ये जो नीचे वाली गुफा है वो कितनी दूर यहाँ से, अच्छा 1.5-2 किलोमीटर आ गए। तो किस दिन जाते हैं अब, आज तो हो नहीं पाएगा जाने का, प्रोग्राम का समय हो गया है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ी बाहर और नीचे जा रहे हैं, नीचे बना रहे हैं चाय और मंदिर के अंदर भाई शांति इतनी ज़्यादा मिल रही है। लोग यहाँ आएंगे ना भाई ओनली चिड़िया मुझे आवाज़, बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत अच्छा सेंटर भी है यार, क्योंकि ऑल डिपेंड आर जंगलात के अंदर ना, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं है, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर पूरा पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है, वो यहाँ अवैध कुछ नहीं कर सकता। तो शांति शांति मिलती है बिल्कुल, साउंडनेस से दूर और पीस की ओर बढ़ा हूँ। आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, वहाँ से वाला तो मुझे जोर जोर से आवाज़ मार रहे हैं, नीचे की ओर आ जाओ फोटो खींच लो करके। और वो बना रहे चाय और मैं देखता हूँ यार चाय लकड़ियों में कैसे बनाई जाती है आज। इधर साइड में चाय बना रहे भैया, जो ये मड है ना मड के अंदर से ही इन्होंने सारा का सारा आइटम निकाला है और यहाँ पर लगा दिया है आग। चाय बनाने की व्यवस्था पूरी की पूरी हो रही है, ये देखिए ये निकाल लगी केतली, अब बनाई जाएगी यहाँ पर चाय। अच्छा सरिया हाँ चाय तो वही तो बना रहे हैं, देखो चाय बन रही है ना, देखो दोस्तों दादी ने बना दी है चाय बनाने के लिए, केतली रख दी है, पानी और चाय पत्ती सब मिला दी है, अब थोड़ी देर चाय पकने का इंतजार। मैं आ नहीं पाया तो इस बार भंडारे का और यहाँ का सहयोग किस किसने कराई है बताइए मेरे को। भंडारे का सहयोग तो सबसे पहले इस बार भी नहीं, वो आज से 4 साल पहले से हम ही लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा दीवान सिंह मेहरा और यहाँ पर अंकित और 2-4 लड़के और हैं जिनने 3-4 दिन से काफ़ी मेहनत करी। मेहनत तो करेंगे यार। अच्छा जो नीचे मिले थे अंकित भाई नीचे, अंकित गोस्वामी है उनका नाम, उनका घर यही है, अब उन्हें रेहड़ शिफ्ट हो गए। अच्छा उन्होंने बताया था यहाँ जागेशनी जावर महादेव मंदिर है करके, इस वजह से गौरव दा ने मेरे को बताया, मैंने कहीं और से इन्फॉर्मेशन नहीं, तो कल शाम हमारा प्लान बना और उन्होंने कहा कि महादेव के मंदिर में बुलावा है तो जाएंगे और अंकित भाई ने बुलाया है, कह रहे थे कि शिवरात्रि में आना करके कह रहे थे मेरे से गौरव दा, तो हम शिवरात्रि में तो आ नहीं पाए तो इस वजह से आज आए हैं, मगर अंकित भाई किसी कारण बस नहीं आ पाए, या तो वो आते तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो दादा यार बहुत अच्छी जगह में मंदिर है यार, शांति मिल गई है बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आपके सौभाग्य से और चीज़ें ज़्यादा प्राप्त हुई यार, मैं बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी स्टोरी बताई ना,
सारी की सारी बहुत जबरदस्त थी, इनकी वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा पता चला। और आगे भाई लोग आगे यहाँ आगे हम और ज्यादा सौंदर्यीकरण करेंगे यहाँ, जैसा आज आप नक्शा यहाँ देखे गए, अगले शिवरात्रि में आप यहाँ पहचान नहीं पाओगे कि ये कैसा नक्शा हमने बदल दिया। मतलब जंगल में छेड़खानी नहीं होगी क्योंकि यार रिजर्व फॉरेस्ट है, कुछ नहीं होगा, मगर हाँ सौंदर्यीकरण होगा जैसा आप देखोगे वैसे होगा। और बहुत ही अच्छा है यार मंदिर, अगर कभी आओ तो ना अपनी फैमिली को लेके यहाँ आ सकते हो, थोड़ा सा नियरेस्ट है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, उसकी टेंशन मत लेना, आओगे थकान का भी पता नहीं चलेगा भैया, बहुत अच्छा जो है, थकान बिल्कुल मिट जाएगी। और यहाँ आगे ना भगवान के दर्शन करोगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, यानी यहाँ से मनोकामना पूर्ण होती है भैया। कभी आओ अपनी फैमिली के साथ, महादेव की जय, महादेव की जय हो। तो थोड़ी देर बैठते हैं और चाय का मजा लेते हैं, तब तक चाय बन जाती है। दोस्तों चाय बन चुकी है और दादा डाल रहे हैं चाय, एक गिलास में तो डाल दी है, ये देखो ये डाल दिए, अब दूसरे में भी डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बराबर कर दिए ना, सबको देनी है। अब मैं ये सोच रहा हूँ सामने वाले झरने के पास जाया जाए, ये तो ऊपर चाय बनाने जा रहे हैं, मैंने पहले जूते, अब मंदिर के अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ पहले झरने के पास और रास्ता देखते हैं। आओ जी साहब रास्ता देखते हैं। अच्छा पर्सनल लाइन से आता है झरने का पानी। अच्छा दोस्तों ये देखो झरना, अरे वाह यार कितना प्यारा मनार का, और इसके बगल में लगा के फरने, ये सारे के सारे फरने, और इसी के बगल से बहती है एक नदी, बरसात के टाइम पे क्योंकि बरसात बहुत तेज होती है ना, पानी यहाँ से पूरा पूरा नीचे चले जाता है, और इसी के जस्ट बगल में झरना बना रखा है, हैंडमेडेड है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं जाता हूँ वापस ही गौरवता के साथ बैठता हूँ, वो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, और मैं झरने को छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, मगर जाना पड़ेगा दोस्तों, अब जाता हूँ झरने के बाद, झरने वाले बहुत देर यहाँ पर बैठने के बाद चाय पीने के बाद सबके सब चले गए। देखो दादा लोग नीचे की ओर को चले गए और गौरवता हमारे साथ है और बड़े भैया भी हमारे साथ है, अब हम बढ़ रहे हैं घर की ओर को, और तुम्हें मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और यहाँ विजिट जरूर करना, और सब्सक्राइब करें रियो लियो 93.04 या रियो ब्लॉगिंग से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए बार बार लाके आएंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार आपको ये जगह कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 गौरव दा बाय।